पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष की आलोचना से लेकर राहुल गांधी की बुराई तक, बीजेपी के प्रचार से लेकर पीएम मोदी के गुणगान तक, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तार तार करने के लिए ना किया हो। लेकिन लोगों का मानना है कि ये उपराष्ट्रपति की खामियां नहीं, दरअसल ये तो बस वो अपना कर्ज उतार रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया है। बीजेपी के प्रशंसक और विपक्ष के घोर आलोचक मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर पीएम मोदी की ताबड़तोड़ तारीफ करते हुए सामने आए हैं। उन्होंने मोदी को युग पुरुष बताते हुए देश का दूसरा महात्मा गांधी तक कह दिया है। हालांकि जगदीप धनखड़ के इस बयान पर लोग आक्रोशित हैं। एक यूजर ने कहा, आपको उपराष्ट्रपति बना दिया तो फिर आपके लिए युग पुरुष कैसे नहीं हो सकते प्रधानमंत्री मोदी? बिल्कुल हो सकते हैं और आपके लिए तो जरूर होने चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। जैन विचारक श्रीमद रामचंद्र जी की जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया। भारत के सफल प्रधानमंत्री मोदी हमें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां हमेशा हम जाना चाहते थे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, महात्मा गांधी पिछले सदी के महापुरुष थे, नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। आगे अपने इसी बयान में जगदीप धनखड़ मोदी की आलोचना करने वालों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, इस राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाली ताकतें और इस देश के उत्थान को पचा ना पाने वाली ताकतें एक साथ आ रही हैं। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो ये लोग एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, अपने इस बयान को जगदीप धनखड़ ने अपने खुद के एक्स हैंडल पर शेयर किया है, जिस पर लोगों ने कहा, इतने बड़े पद को कलंकित किया आपने एक पार्टी का वक्ता बनकर, मोदी और युग पुरुष बहुत मस्त जोक मारा है आपने, मोदी जी ने आप पर कृपा की है इसलिए आप महापुरुष या युग पुरुष कहें तो सही है, मगर मोदी जी ने जनता के साथ छल किया है इसलिए मोदी जी महापुरुष नहीं, पनौती शब्द सही है उनके लिए। आप गुणगान करें, अगर आप मोदी जी नहीं होते तो आप कहीं विधायक के रूप में पड़े रहते, एहसान का बदला चुकाया जा रहा है। वहीं बिट्टू शर्मा नाम के एक यूजर ने मध्य प्रदेश में आदिवासी के ऊपर और उत्तर प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब किए जाने वाले तस्वीरों को शेयर करते हुए कहा है, इनके लिए भी दो शब्द बोल लेते। अजीत अंजुम कहते हैं, और ये देश के उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अब क्या ही कहा जाए। कांग्रेस के नेता संदीप सिंह ने कहा, इतना नहीं चाटते कि दुनिया हंसने लगे, गुलामों की फौज तैयार की है मोदी ने, जिसमें से अव्वल नंबर पर ऐसे लोग आते हैं जो आपकी तरह सरकारी गुलाम हैं। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।